नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आज हम बनाने जा रहे हैं आटे की बर्फ़ी। और ये बिल्कुल सिंपल बर्फ़ी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। आप देख ही सकते हैं इसका टेक्सचर कितना लाजवाब है और बहुत जल्दी बन जाती है। कोई सामान आपको बाहर से नहीं लाना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 4 से 5 चम्मच देसी घी। और ये घी फ्रेंड्स मेरा येलो कलर का घी है, तो मेरे यहाँ येलो कलर का ही घी आता है, तो कलर का थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। तो अब हम इसे गरम कर लेंगे घी को। और अब इसमें डालेंगे 1 कप के करीब आटा। ये गेहूं का आटा है फ्रेंड्स, तो इसे छानने वगैरह की भी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। मोटा आटा भी यहाँ पर ले सकते हैं और जो बारीक आटा आता है वो भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे जब तक कि इसमें अच्छी खुशबू ना आने लग जाए। तो जो गैस का फ्लेम है वो इस वक्त बिल्कुल स्लो रखिएगा और इस तरह से लगातार चलाते हुए इसे हमें सेकना है। फ्रेंड्स, ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। दिखने में बिल्कुल सिंपल है पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और जब भी कभी आपका मन करे इस तरह से मीठा खाने का, तो आप इसे झटपट बना सकते हैं और बाहर से कुछ सामान लाना भी नहीं होता है। तो इस तरह से देखिए, ये बिल्कुल सिक चुका है और इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है। और ये देखिए, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और घी जो है वो इस तरह से बाहर निकलने लगा है। इसका मतलब ये बिल्कुल यहाँ पर भून चुका है ये। तो अब इसे गैस से नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप चीनी। 1 कप आटा लिया है तो 1 कप ही चीनी लेंगे और 1 कप ही हमें यहाँ पर लेना है पानी। तो 1 कप चीनी और 1 कप पानी को हमें यहाँ पर इसकी चाशनी बनानी है और लगातार इस तरह से चलाते हुए हमें चाशनी बनानी है। फ्रेंड्स, आंच को इस वक्त मीडियम फ्लेम पे ही रखिएगा। तो इस तरह से चाशनी हमारी 2 से 3 मिनट में बन जाती है। और आप इसे चेक करने के लिए इस तरह से हाथ पे ये चाशनी लीजिए थोड़ी सी और देखिए कि यहाँ पर एक तार बन रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारी चाशनी जो है वो परफेक्ट बनी है। और इसके अंदर हम डाल लेंगे केवड़ा एसेंस। अगर केवड़ा एसेंस नहीं है तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब हमने जो मिक्सचर सेका था आटे का, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे मावे का टेस्ट देने के लिए हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर और आटे के मिक्सचर को हमें यहाँ पर मिक्स करना है चाशनी के अंदर। गैस का फ्लेम आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो पे है और इसी तरीके से हमें यहाँ पर इसे मिक्स करना है। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है फ्रेंड्स, तो आप भी गैस को बंद कर दीजिएगा इस टाइम पे। तो क्या होता है, बर्फ़ी का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर लगातार चलाते रहेंगे गैस के अंदर तो क्या होगा, नीचे से जल भी जाएगी और ये जो है बिल्कुल सूखी सूखी हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सूखा हो चुका है, यानी कि जमने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम एक ट्रे लेंगे, ट्रे या थाली कुछ भी ले सकते हैं, और इसे इस तरह से देसी घी से ग्रीस कर लीजिए। तो ग्रीस करने के बाद में जो मिक्सचर हमने बनाया है आटे की बर्फ़ी का, वो इसमें डाल देंगे और इसे एक स्पैचुला से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो ये मैंने सेट कर ली है बर्फ़ी। अब इसे ज़्यादा जमने के लिए हमें यहाँ पर नहीं रखना है फ्रेंड्स, ये झटपट बनती है। तो इसे मुश्किल से आधा से 1.25 मिनट या 1 मिनट के लिए हमें इसे रखना है, बस ज़्यादा देर नहीं रखना है। और ऊपर से आपको किसी भी तरीके के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। बहुत जल्दी ये बर्फ़ी बन जाती है फ्रेंड्स, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को देख के ये बर्फ़ी बनाते हैं तो आप अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं हर कमेंट का जवाब दूँगी। और मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से किसी भी शेप में आप बर्फ़ी को कट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये मिनटों में ही जम गई है, इसे ज़्यादा देर जमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बिल्कुल सूखी बर्फ़ी यहाँ पर निकली है और कितने लाजवाब इसका टेक्सचर है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आपके बच्चे कभी भी मीठा खाने से मना नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी पे और इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को। थैंक यू।